हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो अभी तक अच्छे नहीं थे इस क्लास को देखने के बाद आप अच्छे होने वाले हो। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं आप सभी के लिए YouTube पर ही मैथ्स यानी अपने गणित का यकीन बैच की हम शुरुआत करने वाले हैं। अब यकीन बैच और मैथ इतना तो आप सभी को पता चल गया, लेकिन आप सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही है, सर जी ये जो यकीन बैच है अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो किस किस एग्जाम की हमारी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस किस एग्जाम के लिए जो आपका यकीन बैच है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों ये मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास है जिसको आप शुरुआती क्लास या शुरुआती जानकारी वाली क्लास भी आप बोल सकते हो। जैसे लिखा हुआ है अपने सपनों को नई उड़ान, अपने सपनों को नई उड़ान हम देने वाले हैं। जिन स्टूडेंट का मैथ की वजह से मैथ में स्कोर ना करने की वजह से सिलेक्शन रुक जाता था, अब नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स, देखिए मैथ का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। देखिए यूट्यूब पर वैल्यू स्टूडेंट कम करते हैं, लेकिन जो अगर रियली में सिलेक्शन लेना चाहता है, जो जिंदगी में चैंपियन बनकर एक सफल जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो आप वैल्यू करना सीख जाओगे। और जब हम करवाएंगे, हम इस तरीके से ही करवाते हैं, आपको पता है इस तरीके से प्यार से समझाते हुए चलते हैं कि सभी स्टूडेंट के समझ में आ जाता है और प्यार करने अपने आप लग जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम एसएससी के एग्जाम की बात कर लें तो एसएससी एग्जाम, एसएससी जीडी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है भर्ती। देखिए कितने भी दिन के बाद आए, कितने भी साल के बाद आए, लेकिन आप तैयारी जरूर कर रहे हैं उसके लिए, तो ये है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक कोर्स है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और एसएससी की दो भर्ती और है जिसमें से एक है दिल्ली पुलिस, जो आपको पता है कि सबसे पहले आने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है आप में से 99% ऐसे स्टूडेंट है जो इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। सर जी इसके साथ एसएससी के अलावा क्या बाकी एग्जाम्स में काम नहीं आएगा? तो अगर बाकी एग्जाम्स में काम आएगा तो उनके बारे में भी बता दीजिए। तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखिए अभी आपको बताया कि 2023 में ही आपके लिए रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उन सभी के लिए कोर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सर जी ये भी आइडिया दे दीजिए कि कौन कौन सी भर्ती आ रही है ताकि हमें ये आइडिया भी लग जाए। तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आएगी और आरपीएफ एसआई की भर्ती आएगी, उसके लिए कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में रेलवे एएलपी की या टेक्नीशियन की जो भर्ती आएगी उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। यहां पर और बात कर लें ग्रुप डी की, जब भी भर्ती आएगी रेलवे में, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रेलवे की कोई भी भर्ती होगी, ठीक है, उसके लिए कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो हम क्वेश्चंस करवा रहे होंगे इन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, इन सभी एग्जाम्स में जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब देखिए कुछ स्टेट वाले स्टूडेंट है जो हमसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूं। जैसे कि ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए। ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है कि इस कोर्स में सिर्फ हम मैथ ही करवाएंगे। देखिए मैथ तो आएगा ही आएगा, ये मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास है तब मैं आपको मैथ के लिए बता रहा हूं, लेकिन साथ साथ में आपको रीजनिंग भी हम करवा रहे होंगे। एक दिन मैथ की क्लास आएगी, एक दिन रीजनिंग की क्लास आने वाली है, तो मैथ के साथ साथ हम रीजनिंग को भी कंप्लीट करवा रहे होंगे। तो जो सबसे ज्यादा टॉप स्कोरिंग होता है आप सभी के लिए क्या होता है? रीजनिंग। उसको हम बहुत अच्छे से समझा देंगे, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आपने पहले भी तैयारी की होगी, और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी को YouTube पर पहले से ही पता है, तो रीजनिंग को बड़े शानदार तरीके से हम कवर करवा रहे होंगे। लेकिन अभी मैथ की बात कर लेते हैं क्योंकि मैथ की इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, देखिए हर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं लेकिन यूपी वाले। इसके अलावा एचएसएससी में भी हम मैथ और रीजनिंग पूछा जाने लगा है,
तो हरियाणा वाले स्टूडेंट के लिए भी, बाकी जिस भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग आता है, स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमपी पुलिस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे किसी का भी हो, राजस्थान पुलिस का हो, जिसमें भी मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, कॉन्स्टेबल के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, देखिए आपको कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा सर जी क्लास की शुरुआत कीजिए ना, ये क्यों बता रहे हो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप एक तैयारी से कितने एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हो। अगर इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना तो फिर कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। कितने एग्जाम्स मैंने बता दिए हैं जो 2023 में आपके लिए आने वाले हैं, 2023-24 में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक चीज और बता देता हूं जो अभी काफी चर्चा में रहती है कि हेड कॉन्स्टेबल के एग्जाम आते हैं, हेड कॉन्स्टेबल और एएसआई के एग्जाम आते हैं, तो उसके लिए भी कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे आईटीबीपी हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो या एएसआई हो। और इसी के साथ साथ ट्रेड्समैन की भी भर्तियां निकलती हैं, ठीक है, ट्रेड्समैन की भी जो भर्तियां निकलती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी निकली भी हुई है, असम राइफल में निकली हुई है और शायद बीएसएफ में है, तो ट्रेडमैन की भर्ती निकली हुई है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे आर्मी वाले चैंपियन हैं उनके लिए तो है ही है भाई, ठीक है, आर्मी वाले जो अग्निवीर बनने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ए टू जेड सब कुछ इसमें करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपकी नहीं रहने वाली। तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस कोर्स को कंप्लीट करना। अब इस कोर्स में क्या करवाने वाले हैं, कैसे करवाने वाले हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन और ले लेते हैं, क्या है कि दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, क्या है कि दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है लेकिन पहचान अक्सर खुद बनानी पड़ती है। जब आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो गवर्नमेंट जॉब है ना आज के समय में बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है। जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपका प्रचार प्रसार हर जगह हो जाएगा, चाहे वो आपके गांव में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे और कहीं हो, ठीक है, जहां से रिश्ते आने हैं ना वहां तक भी आपका प्रचार पहुंच जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है, पहचान बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और यही लिखा हुआ है कि पहचान अक्सर खुद बनानी पड़ती है, और खुद कब बनेगी, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, किस तरीके से कोर्स इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि मैथ और रीजनिंग का हम सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। एक तो सिलेबस कंप्लीट करने का ये तरीका है, मैं आऊं एक दिन में एक क्लास करवाऊं और 16 चैप्टर में आपको करवा दूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, और ये लगे कि हाँ 16 चैप्टर 16 दिन में समाप्त हो गए, और एक दिन रीजनिंग की क्लास आ रही है तो 32 दिन में आपके समाप्त हो गए, और आपको लगेगा कि मैं मैथ का चैंपियन बन गया, सर ने बोला था कि कोर्स पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 16 चैप्टर आपको बुक में दिखाई देते हैं लेकिन ये है नहीं। अगर आप यहां पर देखोगे, देखिए यह तो 16 चैप्टर तो जो बुक में लिखे हुए हैं, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, इस तरीके से काम समय हो गया, आपका प्रतिशत हो गया, ये सभी लिखे हुए 16 चैप्टर, लेकिन उनमें कुछ चैप्टर है जैसे मैं आपको छोटा छोटा बता देता हूं, भिन्न का चैप्टर जिससे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन भिन्न वाले जो आपके बुक्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें कि घनमूल या जिसको आप बोल सकते हो स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब वाले चैप्टर से, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो भी आपको पढ़ना होता है, पता नहीं चलता। इसी के साथ साथ देखिए कुछ स्टूडेंट एज, और एज का चैप्टर बहुत ज्यादा जगह पे काम आता है, कहां पर, आपको ये एज वाला चैप्टर अनुपात में भी दिखेगा, आपको ये एज वाला चैप्टर औसत में भी दिखेगा, आपको एज वाला चैप्टर प्रतिशत में भी दिखेगा, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि लग सकता है
कि ये तो रीजनिंग का चैप्टर है लेकिन ये मैथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी के साथ साथ बात करें साझेदारी, इस चैप्टर को आप में से बहुत स्टूडेंट ने बहुत कम सुना होगा और बहुत कम पढ़ा होगा। इस तरीके के चैप्टर आते हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर बन जाते हैं जिसको आपने कम बहुत कम पढ़ते हो आप। घातांक और कर्णी, लगता है कि बस ऐसे ही है लेकिन ये भी चैप्टर है जो आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो भी छोटे छोटे चैप्टर होंगे उनको भी हम यहां पर कवर कर रहे होंगे। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पेपर में आएगा वो हम यहां पर करवा रहे होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि 16 चैप्टर करवाए और आपको बोल दिया कि हमने कोर्स कंप्लीट करवा दिया। जब बोला है कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री है तो इसमें कोर्स को हम एक अच्छे से करवा रहे होंगे जिससे आपका बेस तो बनेगा ही। देखिए जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात और बता देता हूं साथ में कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक पे थोड़ी आप मेहनत कर लेते हो तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाते हैं। चाहे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए उनके अलावा भी पेपर में कोई क्वेश्चंस बन जाएगा तो अगर आपको बेसिक आता है, बेसिक आपने अच्छे से समझा है तो उस क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। आज के समय में क्या हो रहा है, एग्जाम्स में जो बुक में लिखे हुए क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आ रहे। बस एग्जामिनर क्या कर रहा है, हर बार लैंग्वेज चेंज कर रहा है, यानी कि जो क्वेश्चंस की भाषा है उसको चेंज कर रहा है। लेकिन कितना भी चेंज कर दे, अगर आपने बेसिक को अच्छे से पढ़ा है, आपने क्वेश्चंस की टाइप को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो हम यहां पर बेसिक से मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, आपको बताते हुए चलूंगा तो कोई दिक्कत आपको वहां पर नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है, बेसिक हो गया। लेकिन बेसिक के साथ साथ क्या होता है कि आपने सारी की सारी टाइप पढ़नी है। अगर आप बेसिक पढ़ लोगे सिर्फ और आपने टाइप नहीं पढ़ी तो फिर क्या होगा, टाइप नहीं पढ़ी और टाइप पेपर में आएगी तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर इस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस कोर्स में हम सारी टाइप आपको करवाने वाले हैं, कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले। ये बात समझ में आ गई। तीसरी चीज क्या है, जब आप इस कोर्स को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने नोट्स तैयार करोगे तो जब पेपर का समय आएगा उस समय में रिवीजन करना आसान हो जाएगा। सर जी फिर दोबारा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि रिवीजन के समय में जो स्टूडेंट चैप्टर को 4 से 5 घंटे में कवर कर रहा होगा और अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो आप उसको 1 घंटे में पूरा रिवीजन कर पाओगे। और जो रिवीजन होगा ये 1 घंटे वाला, वो 4-5 घंटे वाले से क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। इस बात को भी नोट कर लेना। तो इसलिए आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। इससे क्या फायदा होगा, देखिए पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या होगा, जब आप समझ रहे होते हो और आप उसको लिख रहे होते हो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे सेट हो जाता है। कैसे, कि हम बातों को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो सारी चीजें एक साथ हो रही है, उसको लिख भी रहे हैं तो अपने आप सेट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, आपको उसके नोट्स भी बना लें, ठीक है, क्योंकि रिवीजन के समय में काम आएगा। उसके बाद जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूं ये यूट्यूब पर हमारा जो पूरा कोर्स होने वाला है, पूरा कोर्स, इसके बाद पूरा कोर्स हम कभी नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये पूरा कोर्स होने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे उसके बाद जब आपका कोई भी एग्जाम आएगा, बाकी स्टूडेंट कोर्स की तरफ जा रहे होंगे और आप क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करके क्या कर रहे होंगे, आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर रहे होंगे। जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करेंगे आप अपने स्कोर को इंक्रीज करना शुरू करोगे, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इसलिए ये कोर्स महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सोचेंगे अभी काफी समय है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सोचेंगे अभी काफी समय बचा हुआ है हमारे पास, पढ़ लेंगे, ये समय निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अब क्या हो रहा है, पहले ऐसा होता था कि कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती थी 6 महीने का समय मिलता था, 5-6 महीने का समय मिलता है, लेकिन अब क्या मिलता है, 2 महीने का समय, 2.5 महीने का समय, मैक्सिमम 3 महीने का समय आपको दिया जाता है। और कभी कभी तो अभी देखो सीजीएल के एग्जाम में 20 से 25 दिन का समय दिया गया था,
25 दिन में करके दिखा दो। वो लेकिन स्टूडेंट कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, पहले से तैयारी रखनी है। ये कोर्स कितने दिन चलेगा? जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हमारे चैंपियंस को ये नहीं लग जाता कि हाँ सर मुझे मैथ आ गया है, मैंने सारी टाइप्स अच्छे से सीख ली हैं, अब मुझे कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, बस अब हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उस समय इस कोर्स को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, और हर संडे हम टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिवीजन क्लास भी लाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपने जो भी पढ़ा है उसका आप फिर से रिवीजन कर पाओ। और इसकी एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि किसी भी दिन बाई चांस किसी भी कारण से आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो आप अगले दिन उस क्लास को देख सकते हो। मैथ की अलग प्लेलिस्ट बना देंगे यकीन बैच मैथ, ठीक है, और रीजनिंग की अलग बना देंगे यकीन बैच रीजनिंग। इस तरीके से आपके लिए प्लेलिस्ट बन रही होंगी, जिस दिन मिस हुआ अगले दिन आप देख सकते हो। सर जी अब एक क्लास कब आएगी? जिस समय इंट्रोडक्शन क्लास आई है उसी समय एक क्लास आएगी, डेली आपको सुबह 9 बजे देखने के लिए मिलने वाली है क्लास। ठीक है, आज वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि कौन से एग्जाम की इस से तैयारी हो रही होगी। साथ में आपको यह भी आइडिया लग गया कि कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं जिनके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पर 15-20 एग्जाम आपको बता दिए हैं जिसकी आप एक सिर्फ एक तैयारी से सिलेक्शन ले सकते हो सारे एग्जाम्स में, अगर तैयारी अच्छे से करते हो। ऐसा ही रीजनिंग के लिए भी आने वाला है, तो उसमें इंट्रोडक्शन क्लास क्या है उसमें आपको बता ही दिया है कि रीजनिंग की क्लास भी होगी। इसी तरीके से उसमें भी पढ़ना है, कोर्स भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है, जो जो चीजें इसमें बताई है वो उसमें भी अप्लाई हो रही है। तो उसकी क्लास हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये क्या होने वाला, सबसे पहले चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, क्या होने वाला, चैप्टर वाइज होने वाला है। उसके बाद जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर प्रैक्टिस सेट में सभी चैप्टर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो भी अपना व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, हर जगह इसका स्क्रीनशॉट लगा देना। आपने हमेशा लगाया है, हमेशा आपने सपोर्ट किया है, तो व्हाट्सएप पे लगा देना सभी पे। ठीक है, अपने स्टेटस पे और बोल देना कि जिसको भी मैथ पढ़ना है, जिसको नहीं आता बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, उनको बता देना कि हमारे प्रवीण भाई, प्रवीण सर, जो भी आपको अच्छा लगे, कि वो करवा रहे हैं यकीन बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, जिससे आप मैथ और रीजनिंग दोनों सीख सकते हो। बस आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे पढ़ लेना है जब भी क्लास आती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं, ताकि आप उनकी भी तैयारी इसी से कर सको, लेकिन उनके फॉर्म भर सको। ठीक है, फॉर्म आपको बताता रहूंगा कि ये फॉर्म आ रहा है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है, इसके साथ ये करना है। ठीक है, और बहुत जल्दी आपके लिए जो क्या है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर है ना, जीके जीएस एंड करंट अफेयर, उसके लिए भी एक वीडियो मिलने वाला है कि उसमें कैसे क्या होने वाला है, ये भी जबरदस्त तरीके से होने वाला है। ठीक है, मैं एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, अगर वो तैयारी की आगे के लिए प्रोसेस होती है तो आपको जीके जीएस एंड करंट अफेयर के लिए भी बहुत शानदार चीजें मिल पा रही होंगी मेरे द्वारा ही। बाकी हमारे एके चौधरी सर तो करवाते रहते हैं, और जो भी अपडेट होगा, चाहे वो एके चौधरी सर करवा रहे हो या मैं करवा रहा हूं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये यूट्यूब पर है, बस आपको शेयर करना है, बताना है लोगों को, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इसकी 9 बजे आने वाली सभी क्लासेज आपको मिल सके। और दोस्तों होली आने वाली है, होली के दिन आप क्या कर रहे हैं, नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, नई पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूं पसंद आया होगा। थैंक यू।